हाँ जी, हमारे मेजॉरिटी ऑफ द सब डिवीजन से जो रिपोर्ट मिली है उसमें काफ़ी बर्फबारी रात भर हुई है। ख़ास तौर से पाडर दक्षिण के जो इलाके हैं और बौंजवा द्रफशाला के हायर रीचेज हैं वहाँ पे किसी किसी जगह एक एक फीट बर्फ़ तक गिर गई है। उसकी वजह से काफ़ी सारे मेजर हमारे जो रोड्स हैं वो अभी रुके हुए हैं। बट सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए हम लोग थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं बिकॉज इसमें कुछ जगहों पर एवलांच का भी रिस्क रहता है। सो हमारी स्नो कटिंग मशीन जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मड़वा वार्ड 1 से लेके किश्तवाड़ तक सब जगह ऑपरेशनल है। इसमें पहला जो हमारा मेन मोटिव रहता है कि हॉस्पिटल तक आने के जो मेन रूट्स हैं उनको ओपन रखा जाए, और उसमें जो हमारे रोड्स अभी क्लोज्ड हैं उनके साथ साथ जो पावर लाइन्स हैं, पावर लाइन किश्तवाड़ में अभी 98% तक रिस्टोर्ड है। इसके अलावा जो पाडर का इलाका है उसमें टीम सर्वे कर रही है जो मुझे लग रहा है दोपहर तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद पाडर इलाके का भी पावर लाइन रिस्टोर हो पाएगा। जितनी भी पब्लिक है उनसे यही अपील है दैट क्योंकि अभी दूर के इलाकों में हमारा एवलांच का रिस्क रहता है, स्नोफॉल थोड़ा ज़्यादा है, तो आप लोग घर से जब कोई ज़रूरी काम हो तभी निकलना है, बिना किसी इमरजेंसी के लिए नहीं निकलना है। हमारे जितने भी कंट्रोल रूम्स हैं सोशल मीडिया के थ्रू और बाकी प्लेटफॉर्म्स में हम लोग शेयर कर रहे हैं ताकि आपको कोई भी इमरजेंसी हो तो आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकें। Все,